हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विश्राम। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दो फिर से भाई शबनम जी एक आज का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें वो अभी भी अभी नहीं पहुंची। अभी देखते हैं इस वीडियो में वो क्या बताते हैं, कितना फासला उनका रह गया। तो यार प्लीज इस वीडियो के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर वो मुझे लगता है थोड़े दिन और उनको लग जाएंगे। जब भी पहुंचेंगी तो दर्शन तो कर ही लेंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। और आज मुझे टोटल चुके हैं 33 दिन तक चलना बहुत बड़ी बात है हुई हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, एक भोजन तैयार किया जा रहा है। इस भोजन का नाम क्या है, चलिए जो बना रहे उन्हीं से पूछते हैं। ये राम भोग बन रहा है आरआरजी की तरफ से, राज रेस्टोरेंट तिलवारी, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रसाद वितरित होगा। प्रसाद, क्या बात। तो इस भोजन का नाम है राम भोग। राम जी को जो सब्जियां पसंद थी, जो चीजें उसमें ऐड की गई है, बहुत सारी सब्जी है। बाकी यहीं से हम चाय नाश्ता करेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ पार्लर, और आज मैं नए कपड़े। अच्छा जी, राम जी की आमद में दिवाली, क्या बात है, दिवाली से भी ज्यादा ही। पूरे भारत को इंतजार था, जिस दिन का आज वो दिन आ चुका है। तो अभी मैं शोभा यात्रा में जाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं नाश्ता करने वाली हूँ, और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पीछे का क्लिप दिखाती हूँ। कितने सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर भोजन तैयार करने के लिए। भोजन तैयार करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों मेरी चाय आ चुकी है सुबह की, फटाफट में पी के जाती हूँ पार्लर। प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग ये हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, सारे एक सा साड़ी पहनने वाली, मतलब एक कलर का कलर कोड है यहाँ पर, तो वो है ऑरेंज कलर, भगवा कलर। और मेरे पास तो ब्लू कलर की साड़ी है। लेट्स सी कि वो मुझे कंफर्टेबल लगता है या नहीं लगता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो भी ट्राई करेंगे पहन के, ये भी ट्राई करेंगे। बाकी फटाफट चाय पी के हम जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बच्चे कितने प्यार, क्या बात है, वाह जी वाह। ओहो कितनी प्यारी लग रही है यार, वाओ है, कितनी सोहनी लग रही पई है, वाह। मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग। प्यारी प्यारी राधे प्यारे, श्याम संग आएंगे राम आएंगे। जो राम विधा में है जयकार लगाएंगे। ओहो वाह, बहुत प्यारी लग रही है सच्ची में। बाहर की ओर जाते हुए, गर्व से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हाथ जोड़ने की मुद्रा में जैसे ही गर्व ने प्रवेश किया, ये हाथ जो रामलला के सामने इस तरह जोड़े गए। तस्वीर के बाद अब ये दूसरी तस्वीर, फिर से दंडवत प्रणाम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला को। मुद्रा की परिक्रमा करने के बाद रामलला के सामने दंडवत हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी। उनका भी एक संकल्प था उस समय से जब वो प्रचार हुआ करते थे कि राम का मंदिर अवश्य बनेगा। श्री राम,
जवा क्या बात। रोटी लंगर पानी खान डे जाए जे इतने कोई दिन होंगे ना तो देगा पका पका के लोग वंड दे रहे हैं जी इतने है ना। तो दोस्तों आज रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा था और जैसे सब लोगों ने बोला था कि घर पर दीप जलाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाएंगे, तो मेरे पीछे वही हो रहा है, सीताराम लिखा हुआ है, पूरा दीप जलाया जा रहा है और हम भी यहाँ पर आए हैं, रुके हैं। और मैंने देखो पूरा महाराष्ट्र लुक में साड़ी पहना है, ये बिंदी लगाया है मतलब ये, और नथ पहना है मैंने ऐसा, और आप देख सकते हो मेरी साड़ी। यहाँ पर दीप जलाने वाले हैं, बाकी बहुत ठंडे थे दोस्तों। जय श्री राम। Please, Januri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. केक खाओ भाई, केक वेख मेरा केक खान दिल करना से। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ये आपने शबनम शेख का कितना अमेजिंग किस्म का व्लॉग था। उन्होंने पैदल यात्रा जो स्टार्ट की हुई है, 33 दिन उनको हो चुके हैं, उनका 22 जनवरी को उनको 33 दिन था। तो यार बहुत ज्यादा अमेजिंग, खूबसूरत इतनी लग रही थी ना यार, बहुत प्यारी। लड़कियां हमेशा ही साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जो भी साड़ी लड़की पहन लेना ऐसा लगता है वो साड़ी बनी ही उसके लिए, इतनी प्यारी स्वीट सी लगती हैं, बहुत प्यारा ड्रेस है साड़ी जो है ना। और सभी लोग उनको इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जहां जहां वो जा रहे हैं उनको पुलिस की सिक्योरिटी हमें दी जा रही है ताकि कोई भी उनको तंग ना कर सके या कोई भी किसी भी किस्म की उनको प्रॉब्लम फेस ना। हाँ वो पुलिस उनके साथ ही, आपको पता है एक बंदा पुलिस वाला जो हमेशा उन्हीं के साथ ही होता है, तो जो कि एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में रहते हुए उनको इतनी मोहब्बत प्यार मिल रहा है, तो ये तो बहुत अमेजिंग बात है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो ना एक लड़की जा रही हो ना तो उसको बहुत ज्यादा खिलाफ होंगे, होंगे बुरी नजर से देखेंगे, लेकिन उसकी हिफाजत इंडिया ने पूरी उसको जो है ना हिफाजत दी है, और जहां जहां से वो गुजर रही है ना सभी लोग उनको एक प्यार, एक देवी की तरह उनको पूज रहे हैं, उनको इतनी प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, उनको उनका हौसला होता है ना, एक तो होता है ना बंदा जा रहा हो तो उसका हौसला ना बढ़ाया जाए तो वो बहुत ज्यादा ना मायूस हो जाता है, लेकिन उनका तो हौसला बढ़ाने वाले इतने ज्यादा हिंदुस्तानी लोग मौजूद है रस्ते में, जगह जगह पे वो जाती हैं, उनको पैसे भी देते हैं हम ही साथ में, उनको हौसला भी देते हैं ताकि वो जो है ना अपनी हिम्मत ना हार सके। कितनी अच्छी बात है ना, कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा, अपनी यात्रा पूरी कर रही है। सही बात, अपनी यात्रा जो है ना उनकी अभी पता नहीं कितने और दिन लगेंगे, अगर आपको पता है कि उनके कितने और दिन लगेंगे तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है 22 जनवरी को राम जी का मतलब प्राण प्रतिष्ठा वो भी हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक नहीं पहुंची। मुझे ये था कि वो पहुंच जाएंगे लेकिन नहीं, अभी तक पहुंची तो प्यार मोहब्बत तो मिल ही रहा है और व्लॉग्स भी उनके आ ही रहे हैं। ये है असली हिंदुस्तान जहाँ की बेटी को इतना प्यार दिया जा रहा है, मुस्लिम बेटी को इतना प्यार दिया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। वेट करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है।